हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डीएमएलटी मैग में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेमेटोलॉजी, ठीक है। वैसे ही हेमेटोलॉजी जो आ रही है ब्लड और ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फिर लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। देखिए, ब्लड ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी की स्पेलिंग पे मत वो घबराइएगा, एच ए ई एम भी होती, एच ई एम ए भी होती, ठीक है। दोनों स्पेलिंग सही होती हैं। तो जो ब्लड की स्टडी होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं, ब्लड के सेल्स के बारे में, ब्लड से होने वाले डिसीज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, वो उसको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती है, हिमेटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कैसा, संजीवी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रखा था, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसके जो ऑरिजिन की बात करें तो ये बोन मैरो से होती है। कहाँ से होती है, बोन मैरो, जब भ्रूण की मेसोडर्म, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे, इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वर्ड भी, ठीक है। तो इसका ऑरिजिन होता है, ब्लड बनता कहाँ है, तो ये जो बोन मैरो होती हैं, ऐसे हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक, हड्डियों के बीच में से खोखलापन पाया जाता है, उसके अंदर जो होती हैं खोखला जोपन होता है, वहां पास इनका निर्माण होता है, ठीक है। ये बोन, रेड बोन मैरो भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन रेड बोन मैरो में जो होता है वो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो वो वाइट बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो स्पेशली ये होता है जो बोन मैरो होती हैं, जो हड्डियों के बीच की जो स्पेस होता है उसमें होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ब्लड में क्या ज़्यादा मानते हैं कि जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उसको हम समझते हैं कि बस वही ब्लड है, ठीक है। चलिए, ब्लड का पीएच के मान की बात करें तो ये 7.4 कितना होता है, 7.4 या 7.35 से लेके 7.45 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में अगर आपको 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 है तो आप ऑप्शन करेंगे 7.4, ठीक है। अदरवाइज ऐसे रेंज में दिया हुआ तो फिर आपका ऑप्शन सही होगा 7.35 से लेके 7.45 तक, ठीक है। और इसका नेचर भी पूछा जाता है, नेचर कैसा होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन या हल्का क्षारी, ठीक है। क्योंकि ये 7 से ऊपर जा रहा है इसलिए क्षारी हो गया, थोड़ा सा जो ऊपर जा रहा है इसलिए हल्का क्षारी है, ठीक है, ज़्यादा क्षारी नहीं होता। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है हमारे में। हमारे बॉडी वेट का जो होता है ना 6 से 10% ये होता है। जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो बॉडी वेट का जो 6 से 10% है, ये ऑप्शन में आपको वेरी करके मिल सकता है, आपको 6 से 8 भी मिल सकता है। कुछ बुक्स में आपको 6 से 8 लिखा मिलेगा, कुछ बुक में 8 से 10 लिखा है, कुछ बुक में 6 से 10 लिखा हुआ है, मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको वैसे मेनली जो रहता है 7 से 8, ठीक है, या 8 से 10, ये मेनली सही आंसर होता है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये ऑप्शन आपको करेक्ट ही मिलेगा जो 6 से 10 के बीच में मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका रेशियो अगर एवरेज लेंगे तो वो 7 से 8 के बीच में सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, तो 6 से 10% होता है, ठीक है। फीमेल में जो होता है ये 5 से 6 लीटर होता है। फीमेल में एक्चुअली जो होता है 20 से 25% ब्लड कम पाया जाता है, ठीक है। जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, 20 से 25% कम पाया जाता है। ये जो बात हम कर रहे हैं ब्लड की, ये वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, जो युवा व्यक्ति होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है। और ये जो ब्लड हमारा होता है कुछ चिपचिपा और जल से थोड़ा भारी होता है। ऑप्शन मिलेगा रुधिर होता है, जल से कम भारी, जल से भारी, ठीक है, जल से थोड़ा भारी। तो क्या होता है, जल से थोड़ा भारी होता है, ठीक है। जल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा थोड़ा भारी होता है, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। और ये अपारदर्शी और तरल होता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्वाद में नमकीन होता है, ये आपने सभी ने टेस्ट कर रखा होगा, ऐसा किसी ने नहीं हो जिसने ब्लड को टेस्ट ना किया हो। बचपन जब कट जाते हैं तो हर कोई इसको टेस्ट किया होगा तो पता है सभी को, स्वाद में कैसा होता है, ये नमकीन होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध भी पाई जाती है, ठीक है। जो ब्लड होती है उसकी स्पेशल अपनी एक गंध होती है जो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ ब्लड है, ठीक है, स्मेल होती है स्पेशल प्रकार की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, जो धमनियों में रक्त होता है वो कैसा रक्त होता है, वो चमकीला लाल होता है। पूछा जाए क्या धमनियों में बहने वाला रक्त होता है, लाल, चमकीला लाल, पीला,
गहरा बैंगनी लाल, तो आपका आंसर होगा चमकीला लाल। क्यों होता? क्योंकि ये ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड तो ऑक्सीजन की वजह से ही क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है और लाल तो होता ही है, ठीक है। और जो सिराओं में जो रक्त होता है, जो सिराएं हमारी होती हैं उसमें जो रक्त होता है, वो रक्त हमारा कैसा होता है, गहरा बैंगनी। कैसा होता है? गहरा बैंगनी होता है, ठीक है। कैसा होता है हमारा, जो ये होता है गहरा बैंगनी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी ऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए सिराओं में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये भी ये आंसर आता है। अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? जो ब्लड हमारा होता है उसका अपेक्षिक घनत्व कितना है, तो 1. से लेकर 0.45 से लेकर के 1.065 के बीच में होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस डाटा को याद कर लीजिएगा, ये आने के संभावना है। चलिए, जो रुधिर परिवहन का अध्ययन, ठीक है, जो रुधिर के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा, हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। लेकिन जो रुधिर परिवहन का अध्ययन करते हैं, ब्लड एक जैसे हृदय से निकल के सब बहुत सारी कोशिकाओं में जाता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एंजियोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड की, जो ब्लड की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। देखिए, ब्लड दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, ब्लड में दो भाग होते हैं। पहला होता है एक फ्लूड वाला भाग, द्रव वाला, एक होता है सेलुलर या फॉर्म्ड कोशिकीय भाग। कैसा होता है? कोशिकीय भाग या सेलुलर फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट होते हैं। देखिए, जो लिक्विड वाला भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो ये फ्लूड वाला पार्ट होता है, जो फ्लूड वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन जो सेलुलर या फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की। किसकी बात करेंगे? ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा हमारा क्या होता है, देखिए, जो ब्लड प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी, जो हमारी हमारा ब्लड होता है उसका 55% जो होता है उसके वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा 55% ऑफ फॉर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है। ये भी ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड प्लाज्मा का कितना होता है, तो 55% होता है। कितना होता है? 55%। और जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है? स्लाइटली येलो होता है। कैसा होता है? स्लाइटली येलो होता है, मतलब हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और ये क्या होता है? साफ होता है, पारदर्शक भी होता है और निर्जीव भी होता है, ठीक है। सारे जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, तो किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो जेएनएम एनएम वाले हैं उन लोग के 8 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, मिलते हैं जो, ठीक है। बाकी जो एलटी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो स्पेशली ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनका पहला टॉपिक है बेसिक हेमेटोलॉजी, तो उनके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो भैया 10 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? तो यहीं से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो हर एक जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक हर एक पॉइंट को मैंने ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और आप परेशान मत होइए, मैंने भी एग्जाम दिया, मुझे पता है कैसे पेपर आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना करते जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास से मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे, प्लाज्मा। देखिए, हाँ, प्लाज्मा का एक हिंदी नाम भी देखिए प्लाविका होता है। तो अगर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनसे स्पेशली मैं कह रहा हूँ, उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द पता होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में प्लाविका मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है प्लाविका, इसका हिंदी में नाम होता है। अच्छा, देखिए, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में तीन भाग होते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा हमारा होता है। देखिए, एक प्लाज्मा अवस्था भी होती है, ठीक है, वो अलग होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ये प्लाज्मा जो होता है ब्लड में, ये अलग होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है हमारा वाटर, इसमें क्या होता है हमारा वाटर, ठीक है, क्या होता है वाटर, ठीक है। और फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें, क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और कुछ सॉल्ट और मिनरल भी पाए जाते हैं। देखिए, जो वाटर होता है 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से 92% होता है। तो अब इसमें देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या सही है। वैसे किस बुक में 91% लिखा हुआ है, किस में 92 लिखा हुआ है, किस में 90% भी लिखा हुआ है, तो 90 से 92, ठीक है। कितना होता है? 90 से 92। जो प्रोटीन होती हैं वो 5 से 7% होती हैं, 5 से 7% होती हैं, और जो सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3% होते हैं हमारे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका परसेंटेज, ठीक है, इनके परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए, वाटर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है, वो है उसका प्रतिशत कितना होता है, तो 90 से 92%। कितना होता है? 90 से 92%, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा के सेकंड पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन की। क्या
प्लाज्मा प्रोटीन, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 7 से 8% होता है, कितना होता है 7 से 8%। देखिए इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एक एल्बुमिन्स होती है, ग्लोबुलिन्स होती है, प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजन और हेपरिन। ये पांच जो होती हैं ये क्या होती हैं, हमारी जो प्रोटीन होती हैं वो पाई जाती हैं किसमें, ब्लड में। ठीक है, देखिए जो इनका जो हम स्पेशली जो देखिए बात करिए, अगर हम किसी भी प्रोटीन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लीवर को क्या कहते हैं, मानव शरीर का रसायन विज्ञान लेबोरेटरी कहते हैं। ठीक है, केमिकल लेबोरेटरी। ठीक है, जो इनका अगर पूछा जाए ये जो ब्लड प्रोटीन होती है इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ऑप्शन सही होगा हमारा लीवर या यकृत। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें क्या नाम होता है, यकृत, तो उसको क्या कहेंगे, यकृत। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा ग्लोबुलिन्स होता है, ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा लिम्फाइड अंगों में भी इसका फॉर्मेशन होता है, इसका दोनों जगह फॉर्मेशन होता है, लीवर में भी होता है, जो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा जो लिम्फाइड अंग में भी हो जाता है। ठीक है, और जो जो ये सारी प्रोटीन्स होती हैं हमारी, वो सारी प्रोटीन कैसी हैं, गोलाकार होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं। कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं। जो अगर बात की जाए कि क्वेश्चन आ सकता है रुधिर जो ब्लड प्रोटीन होती हैं वो होती हैं घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। ठीक है, दोनों, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, जल में घुलनशील। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं एल्बुमिन्स। देखिए एल्बुमिन्स क्या होता है, ये जो क्या का इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में, ये जो हमारा ब्लड जो बॉडी का ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करता है, जो हमारे बॉडी का ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटीन हेल्पफुल होती है। तो आपसे पूछा जाएगा परासरण दाब, हिंदी में इसको कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे परासरण दाब। ठीक है, जो हमारे बॉडी का परासरण दाब कौन नियंत्रित करता है, तो एल्बुमिन। कौन करता है, एल्बुमिन। देखिए एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है सबसे छोटी प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अदर प्रोटीन की नहीं। जो ब्लड प्रोटीन में सबसे छोटी प्रोटीन होती है तो एल्बुमिन, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड प्रोटीन में सबसे छोटी प्रोटीन होती है तो वो एल्बुमिन होती है। कौन होती है, एल्बुमिन। अगर हम बात करें, और ये सबसे अधिक मात्रा में भी पाई जाती है, एल्बुमिन क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में भी पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में, अगर पूछा जाए ब्लड प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्बुमिन्स। कौन सी, एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ग्लोबुलिन। ठीक है, ये क्या काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको स्ट्रांग बनाती है, जो हमारा रोगों से लड़ने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म वर्क करता है, जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन जो होती है ब्लड प्रोटीन ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं या गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, इन्हीं को गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संक्रमण रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए कौन सा ब्लड प्रोटीन उत्तरदायी होता है, तो ग्लोबुलिन्स होता है। कौन सा होता है, ग्लोबुलिन्स होता है। ठीक है, ये इसी को हम लोग एंटीबॉडी प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। चलो, ये जो हमारा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन है, ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन है ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड मतलब जो रक्त का थक्का जमने में इन दोनों प्रोटीन का हेल्प होता है। ठीक है, जो हमारा हेपेरिन होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब देखिए इसी के कारण बस जो हमारा ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि जब ब्लड हम कटवट जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड हमारा जम जाता है। लेकिन भाई हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसके अंदर जो हेपेरिन नाम का ये प्रोटीन पाया जाता है ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है, इसीलिए नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि देखिए अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, सीरम बचता है। क्या बचता है, सीरम बचता है। ठीक है, जो हमारा सीरम, अगर पूछा जाए सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें हम तो वो जो बचेगा वो ब्लड का पार्ट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सीरम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ब्लड प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स कुछ पाए जाते हैं, पोषक बचे हुए पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, वसा पाया जाता है, वसी अम्ल मतलब फैटी एसिड, फैट, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लियोसाइड्स, अमीनो एसिड, विटामिन,
फॉस्फोलिपिड्स ये पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, ठीक है। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, वो अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कौन सा उत्सर्जी जो तत्व है वो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में पाया जाता है। तो चार पांच ऑप्शन दिए होंगे इसमें, यूरिया दे देगा, यूरिक अम्ल दे देगा, तो ये क्रिएटिनिन दे देगा, फिर कहेगा उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए अगर जब हमारे ब्लड में क्या होती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जब यूरिया की मात्रा क्या हो जाए बढ़ जाए, तो हम लोग इसको कहते हैं यूरोमिया। क्या कहते हैं? यूरोमिया, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूरोमिया। और ब्लड में कुछ गैसें पाई जाती हैं, देखिए O2 पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, CO2 भी पाई जाती है। ये हमारे जो ब्लड होता है उसमें घुलित अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। हर एक यहाँ से आप इस क्लास को कर लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट किया करिए, ठीक है। और आप अगर कुछ चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे चीज़ें हों, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, फिर क्लास वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। बट मैं आप कोशिश करूँगा क्लास आपको प्रॉपर टाइम मिले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, अपने कॉलेज वाले ग्रुप या जब आप कहीं वर्क कर रहे हैं वहाँ का जो आपका ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए, बताइए क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।